हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनी है लड्डू गोपाल जी की। बहुत ही काफी अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कम टाइम में बनेगी। बिल्कुल मटेरियल नहीं चाहिए फ्रेंड्स। घर पे ये देखिए, मेरे पास अनयूज कपड़ा पड़ा था प्रिंटेड, वो मैंने लिया। ये बचा हुआ कपड़ा था ब्लाउज का, तो मैंने ले लिया। और ये देखिए, नेट पड़ी थी, तो बिल्कुल घर के सामान से मैंने ये बनाया है ड्रेस। मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थोड़े से नग यूज कर लिए, ये ऑप्शनल है। तो इस तरह से देखिए, ड्रेस बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बनी। ये ड्रेस मैं आपको हर साइज में बनाना बताऊंगी अभी, 0 से 10 नंबर के लिए, ताकि आपके जो भी लड्डू गोपाल जी का साइज है, आप आराम से वो ड्रेस बना सके। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पे मुझे ये कपड़ा चाहिए। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रिंटेड कपड़ा लिया है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है। आप भी इस तरह का थोड़ा कपड़ा ले सकते हैं प्रिंटेड। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको सारे नंबर की ड्रेस बनाना बता रही हूँ, पर जिसके मैं मेजरमेंट्स आपको दूंगी, तो आपको जिस भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के ड्रेस बनानी है, आप उस साइज के जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 0 से 10 नंबर तक के मैंने मेजरमेंट्स जो है लिखे हुए हैं। तो आपको भी इसी तरह से मेजरमेंट्स लेने हैं और अपने जो भी लड्डू गोपाल जी का साइज है उससे आपको मेजर करते हुए, ये मेजरमेंट्स लेते हुए ड्रेस बनानी है। तो सपोज कीजिए, अगर मैं 4 नंबर की यहाँ पे ड्रेस बना रही हूँ, तो ये देखिए, तैयार घेरा जो है मेरे को 4 इंच बाय 32.5 इंच का जो है लेना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं 4 नंबर का कर रही हूँ, जो कि मैं अभी यहाँ पे 4 नंबर की ही ड्रेस बनाने जा रही हूँ, पर आप यहाँ पे, मैं बता रही हूँ आपको किस तरह के मेजरमेंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो देखिए, तैयार घेरा है 4 बाय 32.5 इंच, इसका मतलब 4 इंच तो इसकी चौड़ाई होगी। तो देखिए, जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे तैयार घेरा है, लेना कितना है, कपड़ा कितना कट करना है, वो मैंने अगली लाइन में बताया हुआ है। तो देखिए, 5 बाय 32.5, ठीक है। 5 क्यों लेना, बनेगा तैयार घेरे में 4 और लेना हमें 5 है। क्यों लेना है, क्योंकि कुछ बुकरम, कुछ कपड़ा जो है हमारा नीचे की तरफ से आधा इंच जो है हमें चाहिए होगा, और आधा इंच का कपड़ा हमें जब चोली अटैच करेंगे तो वहां चला जाएगा, तो इसलिए हम 1 इंच ज्यादा लेते हैं। और ये जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे भी 32.5 इंच रखी है, यहाँ पे भी 32.5 इंच। तो अब मैंने कितना मेजरमेंट लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया है वो मैंने 32.5 इंच का लिया है। तो ये आप देखिए, यहां से मैं मेजरमेंट करने लगती हूं। तो इस तरह से ये 32.5 इंच के करीब का आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 32.5 इंच का आ गया है। तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा तो ये 32.5 इंच का मेरा कपड़ा हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, मुझे यहां पे जो ये चीज थी वो जब बनने के बाद है वो 4 इंच चाहिए, बिना बने जो है वो 5 इंच का कपड़ा मुझे काटना है, पर मैंने यहाँ पे 4.5 इंच काटा है। ये देखिए, ये क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे से नहीं मोड़ना है, क्योंकि यहां से मेरा ऑलरेडी जो है कपड़े की इस तरह से लगी हुई थी बॉर्डरिंग, तो मुझे यहाँ पे मोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मोड़ना है कपड़ा तो आप यहाँ पे 0.5 इंच लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0.5 इंच मेरा यहाँ पे कम हो जाता है, 5 इंच में से फिर मेरा 4.5 इंच रहा, और ऊपर जो है 0.5 इंच मेरा चोली में चला जाएगा, इसलिए फाइनली 4 इंच का बनेगा। यहाँ पे मैंने 4.5 इंच का लिया। अगर आपको दोनों तरफ से करना है तो आप 5 इंच का लेंगे। तो इस तरह से ये मेजरमेंट्स यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको 4 नंबर का बताया अभी। आपके जो लड्डू गोपाल जी का साइज है, आप उस तरह का जो है मेजरमेंट, अगर 5 नंबर का है तो आपको 4.5 बाय 35 इंच चाहिए होगा फाइनली, लेकिन आपको कपड़ा जो लेना होगा वो 5.5 इंच का लेना होगा, 35 इंच, 5.5 बाय 35 इंच। तो इस तरह से हर किसी का मेजरमेंट है, आप उस तरह से ले सकते हैं। ये जो है सारा कपड़े कटिंग का है, ये जो है सारा तैयार घेरा है, 1-1 इंच यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि कुछ कपड़ा नीचे जाएगा और कुछ कपड़ा चोली के साथ जब अटैच करेंगे तब चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये दोनों चीजें बता दी है आपको। ये है चोली की लंबाई और चौड़ाई, जो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब हम चोली प्रोसीड करेंगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगी। अब जो है आगे का इतना जो है पोशाक की जो डायमीटर है, यहाँ पे 4 नंबर में 10 इंच का बन जाएगा, 5 इंच में हमारे 11 इंच का बन जाएगा, 6 इंच में हमें 12 इंच का बन जाएगा।
तो इस तरह से ये पोशाक का डायमीटर बताया है, बनने के बाद ये हमें इस तरह का मिलेगा। चोली का जो है सारे चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से अब मैं आगे प्रोसीड करती हूँ, ये मेजरमेंट जो है हम आगे चोली का पूरा मैं बताऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी अभी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, कि आपको जो भी कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं। सारे मेजरमेंट्स जो है यहाँ पे इंचीज में है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 32.5 इंच की जो है बुकरम काट रखी है, 32.5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा काटी हुई है फ्रेंड्स, ये इस तरह से, ताकि बाद में मैं कट कर लूंगी। हल्की सी ज्यादा ली हुई है मैंने। अब फ्रेंड्स ये मैं नीचे लगाऊंगी इस तरह से, उल्टी साइड। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे बुकरम लगानी है, ये मैंने कपड़ा जो है उल्टा कर लिया है। उल्टे कपड़े में आपको बुकरम इस तरफ लगाना है, नीचे की साइड। ये हम इसलिए लगाएंगे, जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो प्लेट्स बहुत अच्छे से बनी रहेंगी, खड़ी रहेंगी, बहुत ही अच्छी प्लेट्स बनती है। अदरवाइज आप बुकरम स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बुकरम की ये जो है लेंथ मैंने आपको बता दी है, ये जो चीज है ये 32.5 से थोड़ी सी ज्यादा लेंगे, 33 या 33.5। और ये जो चीज है ये मैंने 1.5 इंच ली है, 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। ये मैं आपको मेजरमेंट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये करीब 1.5 इंच का है, तो इस तरह से मैंने ये 1.5 इंच का लिया है। अब मैं इस बुकरम को जो है इस कपड़े के साथ अटैच कर लूंगी। अगर मुझे यहाँ पे मैंने 5 इंच का कपड़ा लिया होता और मुझे एक बुकरम के साथ फोल्ड करना होता, तो मैं इस तरह से डबल कपड़े को लेयर करके और इस तरह से मैं फोल्ड कर लेती। बट अभी मुझे यहाँ पे फोल्ड नहीं करना है, तो मैं सीधा ही यहाँ पे बुकरम पे लगा दूंगी इस तरह से, कपड़ा जो है बुकरम दोनों को अटैच कर दूंगी इस तरह से। अदरवाइज मैं ये मोड़ के कर लेती। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये बुकरम जो है लगा लिए। यहाँ पे देखिए पूरा एकदम परफेक्ट आया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी बुकरम जो है ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था मैंने बुकरम जो है थोड़ी ज्यादा ली है। अब फ्रेंड्स ये बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड हो गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये लेस लगानी है गोल्डन कलर की, ताकि मेरा जो कपड़ा है ये सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कपड़ा लेस जो है थोड़ी सी कट कर रखी है, इसके साइज की थोड़ी सी ज्यादा कट कर रखी है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से इसको लगाऊंगी, और नीचे जो है मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के लगाऊंगी, ताकि ये जो लेस है उसके भी धागे नहीं निकले। और इस तरह से मैं मोड़ के और फिर इसको लगा दूंगी, तो देखिए यहां से मुड़ जाएगी, तो ये लेस के भी कपड़े नहीं, लेस के भी धागे नहीं निकलेंगे, और इस तरह से कपड़े के भी धागे जो है इस लेस से सिक्योर हो जाएंगे। तो मुझे इस तरह से ये लगानी है, ये दोनों साइड लगाऊंगी। बट फ्रेंड्स अगर आप ये नए हैं इस तरह की ड्रेसेस बनाने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ही साइड अभी लगाइए, दूसरी साइड जो है हम बाद में लगाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्लेट्स बनाते हैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, या हम इतने अच्छे परफेक्ट नहीं है इसमें, तो क्या प्लेट्स में कई बार हमें एक दो जो ये प्लेट्स हैं वो कई बार थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाती है, एक दो प्लेट्स, जो कि हम माइंड नहीं करते हैं ड्रेस बनाने में। और फिर के हमें कपड़ा जो है काटना पड़ेगा, तो फिर के हम अगर ये अभी सिक्योर कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है मैं बाद में लगाऊंगी, ताकि अगर मेरा भी अगर हल्का फुल्का कपड़ा ज्यादा हो जाता है, तो मैं इस तरह से कट करके और फिर ये लगा लूंगी। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक ही साइड से जो है जहां से प्लेट शुरू करेंगे, क्योंकि मैं यहां से प्लेट शुरू करूंगी इसलिए मैंने इसको सिक्योर कर लूंगी, और इसको जो है दूसरी साइड को मैं बाद में सिक्योर करूंगी। अब फ्रेंड्स ये काम करने के बाद मैं चोली की तरफ प्रोसीड करूंगी। पहले मुझे चोली बनानी है, तो चोली की लेंथ और ब्रेड जो है मैं आपको बताती हूँ। आपके जो भी कान्हा जी के नंबर हैं आप उस साइज के जो है बना सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी आपके कान्हा जी के नंबर है, या तो उसके आप मेजरमेंट्स जो है नोट डाउन करके रख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब हम चोली की तरफ देखते हैं, चोली की लेंथ और ये है चोली की विड्थ। अब मैं यहाँ पे 4 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ, तो ये देखिए 5.5 इंच लेनी है, और दो बाजू के लिए मुझे 11 इंच लेनी है। तो एक के लिए 5.5, दो के लिए 11। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है चोली की चौड़ाई, तो यहाँ पे 1.6 लेनी है। उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जब हम इंचीज में काम करते हैं, तो ये देखिए 1 से 2 के बीच में हमारी 10 लाइनें नहीं होती है, 8 लाइनें होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जब 8 लाइन्स हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ये 0.6 जो है ये 6 लाइन है, तो 1 के बाद 6 लाइनें लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 लाइनें लेनी है, 5 में देखिए हमें 7 लाइनें लेनी है, तो हम एक और ले लेंगे। इसके बाद 6 नंबर में 1.8 का मतलब होता है 2 इंच, क्योंकि जब हम 8th लाइन पे आते हैं
1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन पे आते हैं तो पूरा हमारा 2 इंच हो जाता है, तो इसका 1.8 का मतलब है 2 इंच, इसलिए इसके बाद डायरेक्ट 7 नंबर पे 2.1 आ गया है। तो ये जो चौड़ाई है सब में एक एक लाइन जो है बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे 4 नंबर के लिए हमें 1.6 मतलब 1.25 इंच का हमें चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे काट रखी है, तो 2 स्ट्रिप्स के लिए मुझे यहाँ पे 11 इंच की लंबाई चाहिए, ये चाहिए, और यहाँ पे 1.6 चाहिए, तो ये देखिए 1.6 है। तो इस तरह से मुझे ये करना है। इसके बाद मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे इसी लेस से मुझे इसकी बॉर्डरिंग करनी है दोनों साइड, इससे इस तरफ और इस तरफ मैं दोनों साइड इसकी बॉर्डरिंग कर लूंगी इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें जो करूंगी। तो चोली में भी मुझे बॉर्डरिंग करनी है और यहाँ पे इस कपड़े में भी मुझे बॉर्डरिंग करनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात, किसी ने मुझे पहले भी पूछा था ये बुकरम की जो लेंथ होती है वो हम छोटी बड़ी किस तरह से लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 इंच का घेरा बनता है, ये देखिए फाइनली जो तैयार घेरा है वो 4 इंच का है, तो मैंने बुकरम 1.5 इंच की ली है। 3.5 इंच की होगी तो आप 1.25 ले लीजिए, 3 इंच की है तो आप 1 इंच के करीब ले लीजिए, तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप करीब आधे से थोड़ा कम ही लीजिए। तो इस तरह से हम बुकरम लेंगे। तो ये बुकरम की बात हो गई है और ये चोली का, ये पूरा काम जो है मैं करके फिर आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ पे चोली के कपड़े के ऊपर जो है यहाँ पे साइड में बॉर्डरिंग कर दी है, तो इससे देखिए चोली का लुक काफी अच्छा आ गया है। अब फ्रेंड्स ये दो चोली एक मतलब दो बाजू एक साथ थी चोली की, इसको मैं कट कर लूंगी इस तरह से हाफ करके, और फिर मैं इक्वली कट कर लूंगी। तो इस तरह से कट हो गया है। अब मेजरमेंट करके भी दिखा देती हूँ, ये टोटल 11 इंच की थी, तो एक जो है करीब 5.5 इंच की है, ये भी करीब 5.5 इंच की है। तो इस तरह से हमारी ये दोनों जो है बाजू के लिए तैयार हो गई। अब हमें चोली कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये जो एक पूरा पार्ट है इसको हमें इस तरह से ज्वाइन करना है, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये पूरा ज्वाइन नहीं करना है, ये जितना है उसका जस्ट हाफ। तो ये हमें अंदाजे से करना है, इतना कोई फुली मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल की इतना हाफ लेके मेजरमेंट करके लेंगे, सिंपल तरीके से आप इसका हाफ जो है ऑलमोस्ट सिलाई से कर देंगे। ये यहाँ पे इसलिए थोड़ा छोड़ते हैं ताकि यहाँ पे भगवान जी के हाथ निकलेंगे। तो इसी तरह से इसमें कर देंगे हम, यहाँ पे भी हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, चोली की दोनों पीसेस जो है हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। अब चोली का हमें दोनों पीसेस को ज्वाइन करना है। फ्रंट साइड जो है हम खुली रखेंगे, ये फ्रंट साइड जो है हमें खुली रखनी है, बैक साइड से भी हम इसको पूरे को स्टिच कर देंगे यहां से यहां तक। बैक साइड में ध्यान रखिएगा पूरा करना है, और जब हम चोली की बाजू निकालते हैं इधर तो ये हमें आधा लेना है क्योंकि यहाँ पे बाजू निकलती है। तो इस तरह से ये मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे चोली के दोनों पीसेस जो है जोड़ लिए हैं, जोड़ने के बाद ये देखिए हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जोड़ना है, ये बाजू निकल गई है, इसी तरह से यहाँ पे जोड़ना था बाजू निकल गई है। फ्रंट से मैंने आपको बताया था कि स्टिच नहीं करना है, और बैक साइड से पूरा स्टिच करना था तो ये पूरा स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से ये चोली बन के रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे देखिए चोली का तैयार घेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 नंबर के लिए 1.25 इंच होना चाहिए था। अब मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ, ये 1.25 इंच है, तो ये देखिए अब हम इसको मेजर करते हैं। जब हम इसको यहां से मेजर करेंगे तो ये देखिए ये 2 इंच पे आया, ये 3 इंच हुआ, 5 इंच, और ये 1.25 इंच। तो ये 1.25 इंच के करीब आ गया है। तो इससे फ्रेंड्स एकदम सही आया है। तो आप भी इस तरह से चोली बनाइएगा पहले। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या है, हमें इस चोली को घेरे के साथ अटैच करना है, तो मैं आपको वो बताती हूँ कैसे करना है। अब हम घेरे के साथ घेरा बनाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये चोली हम पहले इसलिए फ्रेंड्स बनाते हैं ताकि हमें घेरा जब बनाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जब हम घेरा बनाएंगे तो हमारा ये जो ऊपर वाला जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो इसके बाद ये जो बनना चाहिए वो हमारा 1.25 इंच का बनना चाहिए, ऊपर वाला जो अंदर वाला डायमीटर होता है, क्योंकि तभी ये इसके साथ पूरा अटैच हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे हम
ये बॉर्डरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये 6.25 इंच से थोड़ा सा कहीं भी ज्यादा हो जाए तो हम ये इसको कट कर लेंगे, क्योंकि प्लेट्स में इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, कई बार छोटी बड़ी प्लेट हो जाती है और जब हम नया नया काम करते हैं तो हमसे गड़बड़ हो जाती है, तो और वो दिखता नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं आता, बट जब हम इसको अटैच करते हैं तब बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। इसलिए हमने सिर्फ एक साइड से बॉर्डरिंग की है और इस साइड से अभी बॉर्डरिंग नहीं की है। अब हम इसकी प्लेट्स कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इंची टेप लेंगे सबसे पहले, और यहां पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से इंची टेप रख के और ये 5-5 इंच के गैप में हम मार्क लगा लेंगे, 5, फिर ये 10, आगे 15 पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पूरा आगे तक लगाएंगे, यहां पे इस तरह से हम पूरा लगा लेंगे। ये मैं थोड़ा डार्क कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, 5 और ये 10 और ये 15 का भी मार्क लग गया, तो अब ये काफी आपको क्लियरली विजिबल है। अब 5 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, 1 पे लगाएंगे, फिर 1.25 पे लगाएंगे, फिर ये उठाएंगे हम इंची टेप को, 1 पे लगाएंगे, जो सेकंड मार्क है उधर से 1 पे लगाया और फिर 1.25 पे, और फिर सेकंड मार्क से फिर से 1 पे लगाएंगे, 1.25 पे लगाएंगे, और फिर सेकंड मार्क पे लगाएंगे, 1 पे लगाएंगे, और 1.25 वाला जो होगा इसमें वो 5 इंच वाला ही मार्क है, तो ये कम्प्लीटली हमारे इसमें 4 बन जाएंगे। जब हम 5 इंच का मार्क बनाते हैं तो यहाँ पे 1 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
पूरी इस पे बनाएंगे। अब हमें प्लेट्स कैसे डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे तो हमारा ये भी पूरा एकदम एग्जैक्ट 6.25 इंच का जो है प्लेट्स बनने के बाद रह जाएगा, तो हमारी चोली और इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं आएगी और आराम से हम इसको अटैच कर पाएंगे। तो अब हमें बनानी कैसे है वो आपको बताती हूँ। ये जो 1.25 इंच वाला मार्क है, सबसे पहले यहां पे हमें इसको उठा के यहां रखना होता है, थोड़ा सा छोड़ देंगे इस तरह से रखेंगे, और यहां पे हमने ये इस तरह से किया हुआ है बुकरम की वजह से ही हमारा प्लेट्स जो अच्छे से बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स यहां पे जब एक प्लेट्स मोड़ देते हैं, इसके बाद देखिए ये हमारा जो सेकंड मार्क था 1.25 इंच का था और ये वाला 1 इंच वाला मार्क है, इस 1 इंच को उठा के हमें 1.25 इंच पे रखना होता है ताकि दोनों प्लेट्स में थोड़ा सा गैप भी आ जाए, और फिर हम इसको इस तरह से कर देंगे। ये बुकरम से हमें फ्रेंड्स ये फायदा है कि बुकरम जब हम लगाते हैं तो प्लेट्स बहुत ही अच्छी बनती हैं, काफी अच्छे से प्लेट्स जमी हुई रहेंगी। इसके बाद हम फिर से ये 1 इंच वाला मार्क जो है ये आगे वाले 1.25 इंच के मार्क पे रखेंगे, फिर से बुकरम से हमारी प्लेट्स बहुत अच्छी बनेंगी जब हम इसको आयरन करेंगे। फाइनली जब इसको स्टिच कर देंगे उसके बाद जब हम आयरन करेंगे तो बुकरम की वजह से वो प्लेट्स जो है हमेशा के लिए बैठी रहेंगी अच्छे से। अब ये फिर से हमारा 1 इंच वाला मार्क है, ये हम 1.25 इंच पे रखेंगे, तो इस तरह से देखिए प्लेट्स जलती जा रही हैं, तो इस तरह से ये प्लेट्स बनती जाएंगी। अब हमारे 5 इंच के मार्क पे आ जाएंगे, आगे मैंने अभी कर नहीं रखा है। इसी तरह से हम एक के ये वाला जो 1 इंच का मार्क होता है ये और ये जो 1.25 इंच वाला जो आगे वाला मार्क होता है उस पे रखते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये हमारी प्लेट्स बनती जा रही हैं, ये अभी थोड़ा सा खुल गया, तो इस तरह से हमारी ये प्लेट्स सारी बन जाएंगी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छे से ये बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जब पूरा बन जाएगा तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट या तो ये जब हम सिलाई करेंगे तो आप डायरेक्ट आप जो सिलाई मशीन है उससे कर सकते हैं, और अगर आपसे सही से नहीं हो रहा है तो आप एक बार इसको हाथ से कर सकते हैं कच्चा टांका लगा के, और फिर सिलाई मशीन से कर सकते हैं। तो एक अगर आपसे सही से दोनों चीज नहीं होती है तो आप कच्चा टांका लगा के फिर सिलाई मशीन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्लेट्स जब इस तरह से बनेंगी तो हमें इधर ऊपर सिलाई करते जाने, ये बहुत ही कॉर्नर में भी नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए, और ये इतनी इतनी डिस्टेंस में करीब 1/4 इंच में यहाँ पे हमें टांका लगा देना है, तो इस तरह से बैठ जाएगा। और ये पूरे पे जब हम लगा देंगे तो आपको पता चलेगा ये 1.25 इंच का पूरा जो बनने के बाद, क्योंकि ये देखिए प्लेट्स जलने के बाद ये पूरा कपड़ा जो है छोटा होता जा रहा है, तो इस तरह से 1.25 इंच बचना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और काम की चीज है कि जब हम प्लेट्स डालेंगे तो ये पूरा आधा पोर्शन जो है ये देखिए
यहाँ पे ये पूरा जो इतना आधा पोर्शन है, जब हम इसकी प्लेट्स डाल लेंगे यहां तक, तो हमें एक बार मेजर करना है कि हमारी ये जो कुर्ती की आधा है, ये पूरा आधा पोर्शन इसके साथ आए, ठीक है, ताकि एक साइड की पूरी प्लेट सही आनी चाहिए, ताकि आधे कपड़े में सही आए। क्योंकि अगर आपका कुछ भी गड़बड़ आ रही है तो आप अभी यहीं पे धागा उखाड़ सकते हैं, अदरवाइज पूरा करने का पूरा धागा उखाड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, टाइम वेस्टेज की बात है। तो हम पहले आधा करने के बाद यहाँ पे आधा यहां तक प्लेट्स डाल लूंगी मैं, उसके बाद यहाँ पे एक बार मेजर करके देख लूंगी कि आधी चोली जो है, एक साइड की चोली पूरे इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो उधेड़ के मैं फिर से कर लूंगी और फिर मैं फाइनल वाला भी आधा काम करके और फिर देखूंगी। और फिर भी अगर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रखे हैं, हम वहां पे लास्ट में काट देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से करें और फिर मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे हाफ कपड़ा जो है पूरी यहाँ पे प्लेट्स डाल दी है हाफ की। अब मैं यहाँ पे चोली के साथ जो है मेजर कर लूंगी कि इक्वल है या नहीं है। देखिए ये जब हम चोली बनाते हैं तो हम जब इस तरह से यहाँ पे इसको रखेंगे, यहां से मैंने शुरू किया, एंड से सिर्फ दिखाने के लिए एंड से ही शुरू किया, क्योंकि मैंने माप के भी देख लिया है बिल्कुल सही आया है, तो इस तरह से काफी एकदम सही आएगा। और आप इंची टेप से भी इसको मेजर कर सकते हैं, यहां पे इंची टेप से मेरा ये जो है 3 के करीब बनता है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा जब मैं ये इंची टेप से करती हूं। तो देखिए यहां से करके दिखाती हूं, ये देखिए यहां पे 1.25 हुआ है करीब। इसके आगे जब मैं इसको करती हूं तो देखिए 3 के करीब हो जाता है, 3.25 के करीब आ गया है। टोटल हमारा 1.25 ही था, तो थोड़ा सा ये सिलाई में इस तरफ आ गया, इसलिए 1.25 है, हल्का सा ज्यादा इधर हल्का सा कम होगा, क्योंकि ये दोनों जो है बीच में से जुड़ जाती हैं। तो ये 3.25 के करीब आया है। और जब हम इसको इस तरह से मेजर करते हैं, ये देखिए हम इस तरह से जब अगर मेजर करेंगे तो एकदम सही आएगा। मैं यहां पे ये पॉइंट हटा रही हूं, तो ये देखिए 3.75 के करीब आया ये, तो इसके मिड में ही आया है, तो काफी एकदम सही से जा रहा है। और अगर आपका हल्का फुल्का इधर उधर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यहां पे जो है थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बुकरम लगाने से क्या फायदा हुआ फ्रेंड्स, प्लेट्स जो है बहुत ही अच्छे से बन रही है। और मैंने यहाँ पे अभी सिलाई मशीन से नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो स्टार्टिंग में नई वीडियोस देख रहे हैं, जो भी इस चीज में परफेक्ट नहीं है, तो उनको मैं ये दिखा सकूं कि ये सिलाई से भी, सुई धागे से भी एक बार प्लेट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं सुई धागे से ही मैंने अभी तक किया ये सारा काम। अब बाद में मैं इसको अभी कच्चा लगा रही हूँ, मैं कच्चा टांका लगा रही हूँ, मोटा टांका। और जब मैं ये पूरी प्लेट्स डाल लूंगी उसके बाद मैं इसको सिलाई मशीन से एक बार कर दूंगी। तो ये देखिए काफी अच्छे से सारा काम हो रहा है, प्लेट्स भी अच्छे से बन रही हैं। इसके बाद जब ये पूरा घेरा बन जाएगा तो जो मैं प्रेस भी कर दूंगी तो प्लेट्स एकदम अच्छे से रहेंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरा मैं भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मैंने अब घेरा बना लिया है, हाफ में मैंने आपको मेजर करके दिखाया था अभी, अब ये मैंने पूरा घेरा बना लिया है। और इसके बाद मैंने आयरन भी कर दिया, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी प्लेट्स बनी है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। अब ये मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ, ये जब हम चोली के साथ इसको मेजर करने लगते हैं तो ये पूरा एकदम सही आएगा। हाफ मैंने आपको मेजर पहले भी करके दिखाया था, तो ये देखिए इस तरह से किया, इसके बाद ये हाफ इधर आ गया है, ये इस तरह से आ गया और ये इस तरह से आ गया। तो ये देखिए इस तरह से पूरा का पूरा जो है आ गया है, तो चोली से भी बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा घेरा जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे यहाँ पे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे ये नेट लेना है, ये देखिए ये अभी विजिबल नहीं हो रहा अच्छे से, पर ये गोल्डन कलर का है थोड़ा सा, तो ये इस पे काफी अच्छे से मैच कर रहा था इसलिए मैंने इसके साथ ये लगाना प्रेफर किया। तो ये मैंने कितने इंच का लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मुझे इतना चाहिए था कि यहां पे ये है इतना करीब चाहिए था, 2.5 से 3 इंच, तो मैंने यहां पे 3 इंच की जो है ये नेट जो है काट लिया। ये देखिए 3 इंच की नेट है, तो इस तरह से मैंने ये काट ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मुझे यहां पे इसकी भी फ्रिल्स बनानी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हमें प्लेट्स बनानी है, ये जो नेट है ये प्लेट्स जो है मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं प्लेट्स जो है इस तरह से बनाऊंगी, यहाँ पे रखूंगी और अंदाजे से जो है इसको फोल्ड करते हुए प्लेट्स बनाती जाऊंगी। और सिलाई मशीन से, या पहले अगर आप सुई धागे से करने चाहें कच्चा टांका, तो सुई धागे से इस तरह से प्लेट्स बना बना के इस पे लगाते जाएंगे। तो ये मुझे पूरे पे लगाना है। यहाँ पे मेजरमेंट की इतनी जरूरत नहीं होती जिस तरह से हमने यहाँ पे मेजरमेंट ली थी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि ये जब हम सर्कल जो हमें चाहिए होता है, इनर सर्कल, ये हमें चोली की लेंथ का चाहिए होता है, इसलिए हमें यहाँ पे मेजरमेंट की बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब ये पूरा बन चुका है, अब यहाँ पे हमें कोई मेजरमेंट्स की इतनी जरूरत नहीं है। तो अगर हल्की फुल्की प्लेट छोटी बड़ी भी हो जाती है तो इतना ना तो दिखाई देता है और ना ही इतना मैटर करता है। तो इस तरह से अब मैं ये प्लेट्स बना लूंगी और बना के ये दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे नेट की भी प्लेट्स बना के इस पे लगा लिए। अब ये देखिए ड्रेस का लुक और भी अच्छा आ गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे चोली अटैच करनी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बिल्कुल जो है इसके माप का है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चोली अटैच कर दूंगी। आप चाहें तो पहले सुई से कर सकते हैं, सुई धागे से, और फिर आप मशीन से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मशीन से कर सकते हैं। ये मैंने आपको दोनों चीज पहले भी बता दी और दिखाई भी है। ये चोली के बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये नेट पे देखिए मुझे यहाँ पे नग लेने हैं पिंक कलर के। ये मैं लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा लुक आ जाए। तो पिंक कलर के नग लगा लूंगी और ये चोली अटैच कर दूंगी, तो इससे हमारी ड्रेस भी पूरी बन जाएगी। और ये मैं करके आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी ड्रेस लगेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे नेट अटैच करके, चोली अटैच करके, सब कुछ करके, और ये देखिए नग भी लगा लिए हैं। तो फाइनली हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ कपड़ा और नेट लगा, और कितनी सुंदर ड्रेस बनी है। तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद आती है और आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा हमें कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।